हाँ जी, तो गाइस क्या हाल चाल है। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और क्या हाल चाल है। थैंक यू सो मच गाइस मुझे इतने मैसेजेस करने के कि गेमलर भाई क्यों व्लॉग नहीं आ रहा है। मुझे भी अच्छा लगा कि यार कोई तो है जो पूछने वाला है। तो गाइस आ गए हैं नए व्लॉग के साथ। और सीन कुछ ऐसे है कि इसी की तो पैसे हैं। और आज का व्लॉग जो है ना बहुत स्पेशल हो रहा है। थंबनेल से तुम लोगों को पता ही चल चुका होगा। आज के व्लॉग में जो है ना टूर ऑफ पेशावर है, जो हम अपने तरीके से करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि पेशावर किस तरह दिखता है और कैसा है। मतलब खैबर के जो पहाड़ है, तो आप लोगों को अपने ड्रोन की नज़र से दिखाते हैं। एंजॉय कीजिए। सोचा कि यार कुछ अपनी भी शॉर्ट्स ले लिया जाए। और अब अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़े। ये है बाबे खैबर। मजा नहीं आ रहा। अब देखो खानू मार्केट। और बारिश हो रही थी तो मैंने कहा यार बाहर से थोड़ी आप लोगों को दिखा दे। इस पे पूरा एक दो तीन व्लॉग बन सकते हैं इस मार्केट पे, फिर कभी बाद में बनाएंगे। और अब जो है हम अपने होम टाउन हैदराबाद की तरफ आ गए हैं। होम टाउन तो पेशावर ही है, मगर जिधर हम रहते हैं वो हैदराबाद है। आप लोगों को ऐसा मज़ा नहीं आएगा क्योंकि हम रास्ते पर जा रहे थे। तो थोड़ा सब्र करो, पेशेंट रखो। अब देखो धमाका। हैदराबाद की बहुत खूबसूरत मस्जिद है, सबसे बड़ी मस्जिद है। और इसको भी थोड़ा ड्रोन की नज़र से आपको दिखाते हैं क्योंकि हमारी नज़र और कैमरा की नज़र आप लोगों को मज़ा नहीं दे रही। ये जो है टाउन है, जो मेन टाउन टाउन बोलते हैं यहाँ पे, हमें पता नहीं और क्या बोलते हैं। टाउन से मशहूर है अब्दर रोड टाउन। मैंने कहा थोड़ा आपको ये भी दिखाए भाई लोग। हमने जो है ना नाइट का और दिन का एक साथ किया हुआ है कि यार भाई क्या नाइट में हो क्या दिन में, क्योंकि नाइट में अलग दिखता है दिन में अलग दिखता है। तो आप लोग दोनों एंजॉय करो, मज़े करो। Thank you.
सदर बाजार। भाई लोग, तुम लोगों को पता है कि सदर किस को बोलते हैं, मतलब जो जिसकी हुकूमत चलती हो, और बाजार सदर बाजार मतलब ये लड़कियों का बाजार है और उनकी ही हुकूमत चलती है। अगर बहन हो, बीवी हो, अम्मी हो, तो घर में उन्हीं की चलती है। तो इसलिए जो बड़े बड़े बाजार होते हैं उसका नाम सदर ही रखते हैं, और ये पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। सीन कुछ ऐसे है कि यार, हमने पूरे सदर की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि यार ये पेशावर है सही ना। यहाँ पे इस जगह पे मैं जब वीडियो बना रहा था तो इसमें भी बहुत दिक्कतें पेश आई, मगर अभी जो है ना, इधर मेन बाज़ार जो था वो सारा लेडीज़ का था। अगर हम उधर वीडियो मार बनाते तो ये मेरा जो सफ़ेद मुँह है ना, ये लाल लाल होता या पर्पल पर्पल होता, तो इस वजह से हमने वीडियो नहीं बनाई। और दूसरा ड्रोन शॉट, उसकी परमिशन हमने मांगी मगर हमको नहीं दी गई। और अभी आगे जा रहे हैं, अगर दी तो सही है, शॉट देख लोगे, और ना नहीं दी तो सी। हम जो है ना आप सीधा उधर ही जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे अंदरून पेशावर, तो सी यू आगे। ये जो है ना किला बालाई सार है, ये मशहूर किला है, और इस पर एक दिन व्लॉग ज़रूर बनाएंगे और इसकी हिस्ट्री भी आपको बयान करेंगे। और ये जो है ना, अब हम इंटर हो गए ओल्ड पेशावर में, जो मेन पुराना पेशावर था, जो अंग्रेज़ों के वक्त में जो पेशावर था उसमें हम इंटर हो चुके हैं, और वो आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाएंगे। ये पेशावर के मशहूर तिक्के हैं सही ना, और ये पेशावर आए और ये नहीं कहा अशरफ रोड पे तो कुछ भी नहीं कहा। और ये जो आप लोग देख रहे हैं इसको बोलते हैं चौकियातकार। यहाँ पे जो थे कैदी आज़म बाबा ने यहाँ पे एक बड़ी प्यारी स्पीच दी थी पठानों को, जो उनके पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ी। अब हम रिश्के में सवार। ये जो है ना यहाँ का पुराना गेट है जो मैंने आपको दिखाया, और यहाँ पे ये कुछ ही बाज़ार है, ये उसके पुराने तंग गलियाँ है जो बुक स्टोर्स और बुक्स और ये प्रिंटिंग प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ये बाहर का जो कपड़ों वपड़ों का शॉप्स होते हैं। ये मेन सारा का सारा जो है ना, ये कुची बाज़ार में आता है, किसाख्वानी और कुची बाज़ार, ये दो बड़े बाज़ार हैं यहाँ के। आप लोग एंजॉय करें। यहाँ पे काली पत्तियाँ भी मिलती है, ये पंजाब साइड पे जो है ना काली पत्तियाँ सब यहीं से जाती है।